अगर दुनिया की सबसे तेज चलने वाली सुपर कार की बात करें तो वो है बुगाटी चिरोन, जिसकी टॉप स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा है। और जब बुगाटी चिरोन और फार्मूला वन कार के बीच ड्रैग रेस कराई गई तो बुगाटी चिरोन फार्मूला वन कार से आगे निकल गई। अब सवाल ये आता है कि जब बुगाटी चिरोन जैसी सुपर कार की स्पीड फार्मूला वन कार से भी ज्यादा है, तो फिर एक फार्मूला वन रेस में बुगाटी चिरोन जैसी सुपर कार को रेस के लिए यूज क्यों नहीं किया जाता? तो देखो, फार्मूला वन रेस के ग्राउंड में जो रोड बनी होती है वो सीधी नहीं होती बल्कि टेढ़ी मेढ़ी होती है, और इसलिए रेस के टाइम कई बार कार्स को मोड़ना पड़ता है। और सीधे रास्ते में तो बुगाटी चिरोन फार्मूला वन कार से आगे निकल जाती है, लेकिन अगर फार्मूला वन रेस के ग्राउंड में बुगाटी चिरोन और फार्मूला वन कार के बीच रेस कराई जाए तो रास्ता टेढ़ा होने की वजह से कार की स्पीड को बार बार स्लो करना पड़ेगा, और बुगाटी चिरोन के 2 टन वेट की वजह से ये हाई स्पीड में इजिली कंट्रोल नहीं होगी। अब क्योंकि फार्मूला वन कार का वजन 800 kg होता है, इसलिए ये हाई स्पीड में भी इजिली कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए ही फार्मूला वन रेस में फार्मूला वन कार बुगाटी चिरोन से आगे निकल जाएगी।